इस वक्त हम थाने के तीन हाथ नाके में मौजूद है, जहां औरंगाबाद से इम्तियाज रैली की तिरंगा रैली आ रही है, जिसको लेके उनके स्वागत के लिए यहां बहुत से ऐसे लोग यहां मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस तिरंगा रैली को लेकर क्या कहेंगे? स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस तिरंगा रैली को लेकर? देखिए, आज जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो दो वारदात आई है सामने, एक जो है रामगिरी महाराज, दूसरा जो है नीतीश राणे, हर टाइम पे किसी एक को कम्युनिटी को टारगेट करना, हर वक्त पे कभी हिजाब के ऊपर, कभी नकाब के ऊपर, कभी दाढ़ी के ऊपर, कभी टोपी के ऊपर। देखो, संविधान ने यहाँ पे सबको रहने का अधिकार दिया और सबको अपने अपने धर्म मानने का अधिकार दिया गया। अगर कोई भी धर्म गुरु या कोई भी नेता किसी भी रिलीजन के खिलाफ में बोलता है तो उसके खिलाफ में कई ऐसे संविधान ने हमारे कानून बनाए। आज इतनी सारी FIR होने के बावजूद, हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी होने के बावजूद भी रामगिरी जैसे महाराज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नीतीश राणे हमेशा से उल्टे सुलटे शब्द हमारे कम्युनिटी को लेके बोलते आ रहा है। अभी भी उसने कुछ दिन पहले भी ये बात बोला। आखिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही? आज ये रैली का आने का मकसद यही है कि जो इतनी सारी FIR जो हुई है वो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज जो इम्तियाज जलील साहब ये रैली लेके आ रहे और उन्होंने नॉन पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, इसीलिए सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको जुड़ रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार साहब से रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आप लोग से भी, आपकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए, हमारे भी दिल में हमारी भावना है, तो इसको ठेस ना पहुंचाए। आपके आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग हैं उसको ठेस पहुंचा रहे, हमारी आपसे यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी ये रैली कहाँ पहुंची है? अभी रैली पड़गा तक पहुंची है, पड़गा पहुंच रही है। अभी कैसा है, बहुत बड़ा ताफा उनके साथ में आ रहा है तो उसको काफी टाइम लग रहा है। यहाँ पे पानी का इंतजाम हमने किया है, थाने की जो हमारी पूरी टीम ने पानी वगैरह का इंतजाम किया है। अभी धीरे धीरे काफिला आएगा, वैसे उनके साथ में हम भी जुड़ेंगे। ये रैली आखिरी कहाँ तक जाएगी? अभी तो मुंबई तक का है पूरा, अभी देखते हैं कहाँ तक जाने का मिला। इम्तियाज जलील साहब को तो मालूम है, तिरंगा रैली में कहीं ना कहीं देखा जाए ईद मिलादुन नबी का झंडा दिखाई दे रहा है, इसका मकसद? नहीं, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का वो झंडा है और यहाँ जमा होने का मकसद यही है ना कि कोई नारेबाजी चिल्ला पुकार करके किसी और दूसरे रिलीजन वाले को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। लेकिन हमारे कम्युनिटी खिलाफ में जो उल्टा बोला जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मस्जिद पे कभी सवाल हो जाता है, हमेशा कभी दाढ़ी वाले को पकड़ के मार देते, कब तक चलेगा? क्या ये सब करना डेवलपमेंट है? क्या इससे डेवलपमेंट होगा क्या? अगर इसके बाद भी बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो तो आप लोग का अगला कदम स्टेप क्या? नहीं, हमारे जो कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग है, हमारे कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे ना। हम लोग जो है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम लोग उसके थ्रू कोर्ट में जरूर जाएंगे। कौन से इलाके से आप लोग यहाँ ताल्लुक रखते हैं? हम लोग हाजुरी वागले स्टेट। हाजुरी वागले स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई देखो, सबसे पहले तो जो माहौल चल रहा है देश का, इसमें चाहे डेढ़ फुटिया हो या चाहे कोई ढोंगी बाबा रामगिरी महाराज हो, अगर किसी भी रिलीजन के बारे में कोई उल्टा बोलता है और उसको अपने रिलीजन के बारे में कुछ ठेस लगती है तो ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आज ये देख रहे हैं कि ये रैली इसलिए निकाली है कि आज महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में, बहुत से पुलिस स्टेशनों में FIR हुई है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन इन लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? इनको अरेस्ट किया जाए और चाहे इनके जैसे और कोई ढोंगी हो, डेढ़ फुटिया हो, छोटे नुन्ने वाले हो, सबको अटैक करके जमा किया जाए। हमारे महाराष्ट्र का माहौल तब्दील मत करो और इसे भड़काओ मत। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की एकता है, हम उनके गणपति में जाते हैं, वो हमारी ईद में आते हैं, इसी तरह का माहौल रहने दो। अंगार लगाने का काम मत करो छोटू नींदने वाले, और ढोंगी बाबा से मेरी अपील है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे थाने में ये एक इलाके के लोग थे, ये थाने में इस वक्त यहाँ कुछ इलाके के लोग थे जो इम्तियाज जलील की तिरंगा रैली निकल रही है उसको लेकर, जो नीतीश राणे और रामगिरी महाराज ने जो धर्म के खिलाफ मतलब जो बयान दिए उसको लेकर तिरंगा रैली निकाली जा रही है उसको लेकर इन्होंने सख्त उसमें निषेध किया कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे हम आपको खबरों के पीछे हुए खबर दिखाएंगे, जिससे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम थाना।